हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जब शंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट का भर्ती निकल के आया है, उसका फॉर्म फिलअप कैसे होगा आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक कि आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो, इसलिए मैं फॉर्म डिटेल्स के साथ बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है और ये हमारा जॉब संघ ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो हमारे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला सारा अपडेट आपको मिल जाएगा अभी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो जॉब संघ ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा। ये आप लेटेस्ट जॉब में आ जाना है, यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड सिविलियन पोस्ट वैकेंसी 2021, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये आप देख रहे हो पेज खुल गया है। ये अपडेट 24 सितंबर 2021 का अपडेट किया गया था वेबसाइट में। पोस्ट नेम आप देख रहे हो कुक वासर में, बार बार स्वीपर मैसेंजर का भर्ती रहने वाला है। आप ये देख रहे हो एप्लीकेशन स्टार्ट 25/9/2021। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती 2 तारीख को आने वाला था लेकिन 25 का इम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आ चुका है। मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी IMA आने वाला था, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून का फॉर्म आने वाला था, इसका बाद में आने वाला था लेकिन इसका पहले अभी दे चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट आप देख रहे हो 25/9/2021 से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट होने वाला है 24/10/2021, इसका ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 का इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर। इसमें आप नीचे की ओर आ जाना, सबसे नीचे की ओर पेज नंबर 34 में दे दिया गया है। ये आप देख रहे हो पेज नंबर 34, ये इम्प्लॉयमेंट न्यूज 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 का इम्प्लॉयमेंट न्यूज। आप देख रहे हैं ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट्स यहाँ पे दे चुका है इम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर है। तो आप टेंशन मत लेना, एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है और इसका मैं डिटेल्स अभी और बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, का एप्लीकेशन फीस इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस रहने वाला 100 रुपीज़। SC ST जाने वाला सभी के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी किसी भी कार्ड से बिलोंग करता है पेमेंट करना पड़ेगा। पे एग्जाम फीस आप देख रहे हो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपको भेजना पड़ेगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाने के बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म में आपको ये लिखना होगा कमांडिंग ऑफिसर ECR फोर्ट विलियम कोलकाता आपको फिलअप करना पड़ेगा। इस पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट कटाना होगा। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक में जाके कटाना है, ये आप पोस्ट ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस से नहीं होगा तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। बैंक में जाके आप डिमांड ड्राफ्ट कटवा सकते हो, कोई भी बैंक से आप कटवा सकते हो, चाहे वो SBI हो, सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक से आप कटवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लेना, इस पे कटवा लेना। और एज लिमिट आप देख रहे हो 1/9/2021 मतलब 1 सितंबर 2021 का आपका एज मिनिमम होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होना चाहिए आपको 25 साल। जनरल के लिए, जनरल वालों के लिए, OBC ST वालों के लिए इसमें छूट दिया जाएगा। 18 से 25 है तो 3 साल आप OBC के लिए इसमें ऐड कर लेना, 28 साल हो गया। और SC ST वालों के लिए 5 साल इसमें होगा तो 30 साल होगा, 18 से 30 साल दिया जाएगा, ठीक है। और वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट रहने वाले इसमें 10 पोस्ट ही रहने वाला है। तो पोस्ट में आप देख रहे हो कुक में, मैं सारे डिटेल्स पहले बता चुका हूँ, बस इसमें अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कुक में 2 पोस्ट दिया गया, वासर में 3 पोस्ट है, बारबन में 2 पोस्ट दिया गया सुपर है, और मैसेंजर में 1 पोस्ट दिया गया। तो फ्रेंड, मैं मैसेंजर का ही बता रहा हूँ जो कि मैं SC से फिलअप कर रहा हूँ, मैं आपको SC से भर के बता रहा हूँ। तो आप जनरल से भी फिलअप कर सकते हो लेकिन आप जनरल वाइज आप देख लेना कौन सी पोस्ट में आप एलिजिबल हो, उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर देना। एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप देख रहे हो, सारी डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वाला वीडियो देख लेना, नहीं आप देखे हो तो। तो अभी मैं फ्रेंड्स अभी फॉर्म भर के मैं सिर्फ बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या लगने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो। 3 आपको एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्ट करके देना पड़ेगा। 2 आपको फोटो फॉर्म में लगेगा, मैं बता दूंगा कैसे कहाँ पे लगाना है। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट इनकम डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड एक एडमिशन सर्टिफिकेट ऑल डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू करना पड़ेगा टू द कमांडिंग ऑफिसर ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट फोर्ट विलियम कोलकाता 7000201 पे आपको रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टॉप में आपको लिखना पड़ेगा आप जिस ट्रेन में अप्लाई करें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं मैसेंजर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैसेंजर के लिए अप्लाई करें, मैसेंजर लिख दिया हूँ। और ये SC में कास्ट लिख दूंगा तो आप अपने हिसाब से लिख देना। ये आप देख रहे हो रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें रिटर्न टेस्ट आप देख रहे हो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटरनल रीजनिंग होगा। टोटल आपको 25-25 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। और आपका टायर 1 टायर 2 एग्जाम होगा। टायर 1 में आपका रिटर्न एग्जाम होगा,
जो कि आपका 100 मार्क्स में आपको बता चुका हूँ, ये 100 मार्क्स होने वाला। और टायर टू आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स होगा, उसमें टेस्ट वाइज टेस्ट इसमें आप पूछा जाएगा। तो आपको मेरिट लिस्ट टायर वन टायर टू दोनों से मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अभी कमेंट्स है, इसमें अभी मैं आपका फॉर्म डाल दूंगा, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन रहने वाला है, आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें सारे डिटेल मैं बता ही चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको पे लेवल सिर्फ अभी बता देता हूँ कि इसमें क्या पे लेवल मिलने वाला है आपको। ये आप देख रहे हो कुक में लेवल टू में आता है 19,900 से लेकर 30,200 मिलेगा, और वाशर में आप देख रहे हो लेवल वन में आता है 18,000 से लेकर 56,900 मिलेगा। इसमें बार्बर में आप देख रहे हो लेवल वन में आता है 18,000 से लेकर 56,900 मिलेगा। सुपर में आप देख रहे हो लेवल वन में आता है 18,000 से लेकर 56,900 मिलेगा पेमेंट आपको। मैसेंजर में आप देख रहे हो लेवल वन में आता है 18,000 से 56,900 आपको मिलेगा इसमें। तो फ्रेंड्स सारे डिटेल मैं बता चुका हूँ, और नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, और इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप पूरे डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। और इसके मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, फॉर्म है फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, ये आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो ये दो पेज का फॉर्म रहने वाला आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर। तो फ्रेंड इसे आप प्रिंट आउट कर लेना, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करने का आपको ब्लू पेन से कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप दिया हुआ है नोट्स में आप देख रहे हो, ऑल द कॉलम्स टू बी फिल इन द ब्लॉक्स लेटर ओनली, आप कैपिटल लेटर में आपको भरना पड़ेगा। तो मैं आपको फिलअप करके बता रहा हूँ कैसे फिलअप करते हैं, ये आप देख रहे हो। फोन नंबर एप्लीकेशन मैं मैसेंजर के लिए अप्लाई कर रहा था, इसलिए मैसेंजर के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मैं मैसेंजर लिख रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से लिख देना आप किसमें अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद ये आपको छोड़ देना है, और एक नंबर आपका नाम लिखना पड़ेगा फुल कैपिटल में, दो नंबर फादर्स नेम, तीन नंबर आपका मम्मी का नाम लिखना पड़ेगा, मदर्स नेम चाहिए, और चार नंबर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना पड़ेगा। मेरा हो रहा 5 नवंबर 2001 है डेट ऑफ बर्थ, मैं मेंशन कर दिया हूँ, इस हिसाब से आप निकाल लेना जो कि आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देख रहे हो, जैसे कि 1 सितंबर 2021 तक आपको एज निकालना पड़ेगा, ये आप देख रहे हो। ये अपने एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेना, ये आप गूगल में जाके गूगल से भी आप एज कैलकुलेटर से निकाल सकते हो एज। 1 सितंबर 2021 मार देना, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना, उसके बाद जो निकल के आया यहाँ पे लिख देना आप। मेरा निकल रहा 19 साल 9 महीना 27 दिन हो रहा, मैं यहाँ पे लिख दिया, और एक फोटो यहाँ पे लगा देना आपको, उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा और डेट डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो 6 नंबर में कैटेगरी में एससी कैटेगरी से फिलअप कर रहा हूँ, तो एससी कैटेगरी लिख दिया हूँ, क्योंकि इसमें जनरल और ओबीसी का पोस्ट नहीं है, इसलिए मैं एससी से आता हूँ, इसलिए एससी का पोस्ट फिलअप कर दिया। ये आप देख रहे हो एससी कैटेगरी में आता मैसेंजर। और उसके बाद 7 नंबर में आपको नेशनलिटी लिखना है, इंडियन में लिख दिया हूँ। रिलीजन आपको लिख देना, मैं हिंदू इसलिए हिंदू लूँगा, आप मुस्लिम सिख ईसाई जो है यहाँ पे मैंशन कर देना। 9 नंबर आपको फुल एड्रेस देना है विथ रेलवे स्टेशन के साथ, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसके साथ में आपको फिलअप करना है एड्रेस ब्लॉक लेटर में। अभी विलेज आप देख रहे हैं, मैं अपना विलेज लिख दिया, पोस्ट ऑफिस पीएस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और पिन कोड मैंने मेंशन कर दिया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैं अपना गुवाहाटी लिख दिया हूँ, आप अपने हिसाब से लिख देना। और उसका 10 नंबर आपको मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, मेंशन कर देना। उसका 11 नंबर आधार कार्ड आपको यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद जेरोस्कोपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो जेरोस्कोपी दोगे सारे को आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। 12 नंबर में आपको ईमेल आईडी देना है, मैं अपना ईमेल आईडी देना, अपने ईमेल आईडी आप दे देना। 13 नंबर आप देख रहे हो मैं 10 पास का ही अप्लाई कर रहा हूँ, 10 पास ही दे दिया हूँ, और यूरो पासिंग में आपका कब पास किया यहाँ पे सर्टिफिकेट आप देख लेना, उस हिसाब से यहाँ पे लिख देना, और कौन सी स्कूल से पास किया यहाँ पे लिख देना। उसके बाद या स्कूल या बोर्ड आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद परसेंटेज आपको लिख देना, मेरा 88% में लिख दिया हूँ। डिवीजन आपका लिख देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर देना, और रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, तो आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद 14 नंबर एक्सपीरियंस है तो लगा देना, नहीं है तो आपको छोड़ देना ब्लैंक। और 15 नंबर आप देख रहे हो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस लिख देना, नहीं है तो आप नो लिख देना। और डिक्लेरेशन आप पढ़ लेना यहाँ पे, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, और इनक्लोज डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, डेट मेंशन है किस डेट को आप डिमांड ड्राफ्ट कटवाया, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। डिमांड ड्राफ्ट फ्रेंड्स बैंक से मिलता है, ये आप देख रहे हो, मैं SBI का बता रहा हूँ, जस्ट मैं सैंपल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो आप बैंक में जाके कटवा लेना। ये डिमांड ड्राफ्ट देख रहे हो 100 का है, ये आप देख रहे हो 25/9/2021 का मैं कटवाया हूँ, 100 का है, ये आपको मेंशन करना है कमांडिंग ऑफिसर ECR फोर्ट विलियम कोलकाता। इसका डिमांड ड्राफ्ट नंबर ये आप देख रहे हो 056555 है, मैं यहाँ पे फॉर्म में लिख दिया हूँ 056555। अभी अपने लिख देना डिमांड ड्राफ्ट कितना, जो डिमांड ड्राफ्ट जो आएगा ना कटवाओगे ना आप, उसके बाद नीचे में आ जाना, नीचे में अब यहाँ पे दिया हुआ है आप देख रहे हो, ये नंबर आपको मेंशन कर देना। और उसके बाद जिस डेट को आप कटवाए हो डिमांड ड्राफ्ट उस डेट यहाँ पे मेंशन करना, 25/9/2021 में कटवाया हूँ, ये आप देख रहे हो 25/9/2021 से कटवाया यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ।
तो आप वैसा भी मेंशन कर देना, 100 का कटाना होगा। और उसके बाद कितने आप अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट्स कितने आप भेज रहे हो, तो यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं 5 सीट भेज रहा हूँ इसलिए 5 लिख दिया हूँ। आप 5, 6, 7, 8 जो भी है जितना भेज रहे हो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए लेफ्ट थंब मतलब अंगूठे का निशान, बायां अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। और जो महिला कैंडिडेट है, जो फीमेल है, उनको राइट थंब लगाना पड़ेगा, दायां हाथ का थंब लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप डिटेल्स आप पढ़ लेना, सारे डॉक्यूमेंट आपको सर्वेटर करके देना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप आ जाना, नेक्स्ट पेज एडमिट कार्ड है टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट, आपको फिलअप करना होगा सारे आपका जो जो इसमें बोला गया है। और रोल नंबर आप छोड़ देना, ये आपका डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट आपको जब एडमिट कार्ड दे के बुलाया जाएगा, आपको घर में यही एडमिट कार्ड आपको भेजेगा, तब आपको यहाँ पे ऑफिस वाले ही यहाँ पे रोल नंबर बैठा दिया जाएगा, आपका कितना रोल नंबर है, तो आप ये ब्लैंक छोड़ देना। उसके यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑफिस इज ओनली, ये आप छोड़ देना ब्लैंक। उसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये आपका 1 नंबर है, आपका पोस्ट मेंशन करना पड़ेगा, 2 नंबर आपका नाम मेंशन करना है, 3 नंबर आपको फादर्स नेम मेंशन करना पड़ेगा, 4 नंबर का कैटेगरीज मेंशन करना पड़ेगा। मैं एससी कैटेगरी यहाँ पे एससी लिख दिया, और कैटेगरी किस में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एसटी एससी में कर रहा हूँ, तो एससी यहाँ पे टिक कर दिया, दोनों में टिक कर देना आपको। आप अगर आप जनरल से अप्लाई करें जनरल लिख देना, और मैसेंजर के तो पोस्ट है ही नहीं, आप दूसरे कोई पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 6 नंबर आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, 7 नंबर आपको पिन कोड के साथ में पूरा फुल एड्रेस भरना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भर दें, वैसे आप देख लेना इस हिसाब से भर देना, और एक फोटो यहाँ पे लगा देना, उस पर सेल्फ एड्रेस करना पड़े, आपका नाम लिखना पड़े, और जिस डेट को अप्लाई करें उस डेट को आपको मतलब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका है, आप इसे टेंशन मत लेना, आप इसे फिलअप करो। और आप कोई भी बैंक से आप इसका डिमांड ड्राफ्ट कटवा सकते हो, एससी एसटी सारे को लगेगा, इसमें पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और ये डिमांड ड्राफ्ट में आपको बता चुका है, डिमांड ड्राफ्ट रहने वाला है। उसके बाद फ्रंट में आपको फ्रंट इनवेलप बता रहा है, ये आपको देख रहा है फ्रंट इनवेलप लगने वाला है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर के लिए अप्लाई करना, मैसेंजर लिखना है, विथ कैटेगरी आपको मेंशन करना पड़ेगा, एससी एसटी जो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हो, मैं रजिस्ट्री पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। टू आपको लिखना है, थ्रू द कमांडिंग ऑफिसर ई सी एस आर फोर्ट विलियम कोलकाता 7000021 पे आपको भेज देना है। इसके बाद पीछे आपको फॉर्म एड्रेस भर देना, आप अपने हिसाब से पहले वाले एनवेलप भर देना किसी तरह। मैं तो फ्रेंड ऐसे फिलअप करता हूँ, पहले टू लिख देता हूँ, उसके बैक साइड में आपको फॉर्म एड्रेस जो है मेंशन कर देता हूँ विथ पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ मैं भेज देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अंदर में आपको फॉर्म, इसके जो ये जो फॉर्म भर लेना है, इसके आपको अंदर में आपको नहीं भेजना पड़ेगा, जो अंदर के जो पोस्टल एड्रेस जो आता है ना आपको घर पे जो आएगा वो आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से खुद ही भेजा जाएगा लिफाफे, अंदर के लिफाफे, और उसमें आपको टिकट शिकट कुछ नहीं भेजना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर ही कर दिया हूँ इसमें। फ्रेंड्स इतना ही आपको जानकारी देना था, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो, इसमें डेट आप देख रहे हो, ये डेट लेकिन 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, मैं डेट चेंज कर दिया हूं, जो कि 25/9/2021 से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म इसका आप फिलअप कर लीजिएगा, लास्ट होने वाला 24/10/2021। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, सिविलियन पोस्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये इम्प्लॉयमेंट इस पेपर में आ चुका है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इतना ही आपको जानकारी देना था। फ्रेंड्स ये हमारा militaryabharti.com न्यू वेबसाइट पे, आप इस पर भी चेक करते रहिएगा, इस पर मैं भर्ती देते रहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हो अपडेट करते रहता हूँ, तो आप इसे भी देखते रहिए। ये भी हमारा jobsanga.com और militaryabharti.com, ये हमारा दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर भी चेक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स का फॉर्म और नोटिफिकेशन मैं अपने वेबसाइट में दे चुका हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, और इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म में डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ज्वाइन होके। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपका हमारे वेबसाइट में दे दिया गया, आप देख रहे हो सबसे नीचे आ जाना, और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप दिया, यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। सिग्नल ग्रुप में भी यहाँ से क्लिक करके सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, ऐसे नहीं भरते आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।